केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में युवा आक्रोशित है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्षी दल भी इसके विरोध में उतर आए हैं। वहीं छात्र संगठन SFI और जनवादी नौजवान सभा ने भी इस योजना के विरोध में शुक्रवार को राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया और 4 साल के लिए सेना में भर्ती के फैसले का विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस का मेरा साथी दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं, युवाओं को ठगना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सेना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिछले 2 दिनों से लगातार युवा जो है हमारे देश के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारे देश की केंद्र सरकार के द्वारा एक अग्निवीर योजना के नाम से सेना के अंदर भर्ती के लिए योजना तैयार की है, उसके विरोध में लगातार ये जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से जगह जगह पर जो है अलग अलग राज्यों के अंदर ये हिंसक प्रदर्शन भी जो है हो रहे हैं। SFI उन हिंसक प्रदर्शन का जो है समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन जिस तरीके से सेना का मजाक बनाने की कोशिश इस केंद्र सरकार ने की है, एक ठेका प्रथा इस सेना भारतीय सेना के अंदर जो है उसने जो है इस योजना के माध्यम से लागू करने की कोशिश की है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 4 साल के लिए जो है एक उसमें सेना के अंदर जो है अलग अलग सेनाओं के अंदर भर्तियां होगी, जिससे साफ तौर पे देश की सुरक्षा के साथ और देश की संप्रभुता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ ये सरकार करने जा रही है। सेना देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए और बाह्य सुरक्षा के लिए एक अहम कड़ी है और हम इस बात को बार बार सरकार से पिछले 2 सालों से मांग कर रहे हैं कि जो कोविड महामारी के दौरान पूरे देश के अंदर सेना की भर्तियां होनी थी तीनों सेनाओं के अंदर, वो सेना की भर्तियां शीघ्र आयोजित की जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उन भर्तियों को दरकिनार करते हुए जो कुछ छुटपुट जो भर्तियां पूरे देश के अंदर हुई भी थी उन भर्तियों को भी जो है यहाँ पर रद्द कर दिया है और कुछ के फिजिकल टेस्ट हुए थे, कुछ के जो है रिटर्न अभी होना था, तो वो सारी भर्तियां रद्द करते हुए ये जो नई योजना शुरू की है SFI इसका विरोध करती है और पूरे DFI जो है पूरे देश के अंदर SFI DFI मिलकर जो इसका विरोध कर रही है। आप देख रहे होंगे कि जो ये एक मनरेगा का सिस्टम हमारे सेना के अंदर शुरू किया जा रहा है, पिछले हम देख रहे हैं देश के अंदर जिस तरीके से 100 दिन की गारंटी जो है रोजगार की मनरेगा के माध्यम से दी गई है, इस योजना के माध्यम से भी न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट दे रही है, लेकिन उसके बाद उन नौजवानों का क्या होगा वो इस जो